Good morning everybody, and today I'm going to teach you crochet cord. इससे पहले हमने knitted cord सीखी थी, two types की knitted cords थी. एक तो थी tubular और tabular, and the second one was flat cord. तो आज हम जो है crochet cord सीखेंगे. और यहाँ पे मैंने देखिए आप यहाँ पे ये बहुत तीन तरह के क्रोशिए हैं हमारे पास. और ये है हमारा बैम्बू, ये हमारा मेटल का है, और ये हमारा है स्टील का है. इसका हुक जो है वो स्टील का है, और जो हैंडल है वो वुडन है, और इस पे यहाँ पे उसकी नंबर है. अब इन तीनों ये जब हम क्रोशिए का जब सिलेक्शन करेंगे अकॉर्डिंग टू द वूल होगा. जैसे जैसे हम इसकी जो यार्न की अगर हम नंबर ऑफ यार्न्स जो हैं वो अगर इंक्रीज करते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, देन द नंबर विल बी इंक्रीज्ड. तो इसी तरह से हमको उसी के अकॉर्डिंग ही हमें इसका सिलेक्शन करना है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. अब आप ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगी. एक मैं टू कलर्स में सिखाऊंगी और एक मैं आपको ये सिंगल कलर में. तो क्योंकि जो ये यार्न है ये फोपलाई यार्न है और ये बहुत ही फाइन है, जिस पे जो हम 12 नंबर की नीडल से 12 नंबर का जो क्रोशिया है या नेटिंग नीडल का यूज़ करते हैं इसको नेट करने के लिए या क्रोशिया करने के लिए. तो अभी हमें दो चाहिए, तो हम इसको टू को यूँ लेके एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट. क्योंकि जो कॉर्ड है वो बहुत नहीं तो थिन बनेगी. आप थिन भी बना सकते हैं, बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू. देखिए इसको क्या है, ये इस तरह से हमने हमारी दो फिंगर्स और ये थंब और ये जो हमारी जो थर्ड फिंगर है इसके बीच में हमने इसको होल्ड किया. होल्ड करने के बाद हमने हुक को यूँ लिया और इसको इसके नीचे से लेके और इसको यूँ घुमा दिया. वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू. देखिए ये दो फिंगर्स के बीच में यूँ रखा और ये अंगूठे के बीच में रखा, एंड देन अगेन हमने इसको हुक को यूँ लिया और यूँ लेके और इसको यूँ घुमा दिया. घुमाने के बाद ये जो बड़ा वाला एंड होता है इसको हम ऐसे फिंगर पे इसको वाइंड कर लेंगे और अब हम इस पे क्रोशिया करेंगे. अब इसको हमने इसको पकड़ने के बाद हमने ये किया, ये कहलाता है सिंपल चेन. तो इसे कहते हैं हम चेन स्टिच मेथड. और इसी तरह से हम पूरी अपनी इसको कर सकते हैं. मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी जो क्रोशिया है उसे दो तरह से आप होल्ड कर सकते हैं. आप या तो इस तरह से होल्ड करें, इसे हम कहते हैं नाइफ मेथड, और या फिर हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, दिस इज़ नोन एज अ पेंसिल मेथड. तो आप दोनों मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, आप यूँ भी कर सकते हैं और आप यूँ भी कर सकते हैं. तो नाइफ मेथड एंड पेंसिल मेथड, जो जिसमें कन्वीनियंट जिसको जैसा लगे आप उसी तरह से होल्ड सकते हैं. वो दोनों जो होल्डिंग मेथड्स हैं आर नॉट रॉन्ग एंड एब्सोल्युटली दे आर करेक्ट. इट डिपेंड्स अपॉन द जो बना रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से कंफर्टेबल है. ये देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा बन गया है और इसको हम जैसे ही पुल करेंगे इट विल गोइंग टू लॉक. और ये देखिए ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी क्रोशे कॉर्ड बन गई इस तरह से. तो ये हमारी सिंगल क्रोशे कॉर्ड है. अब हम इसको डबल कलर में बनाएंगे. तो हम क्या करेंगे, ये हमने दो कलर्स को एक साथ लिया और हमने एक बिल्कुल इक्वल लेंथ में हमने इन इस यार्न को कट कर लिया है. देखिए आपको जितनी भी लेंथ की कॉर्ड चाहिए उससे आपको या तो डबल चाहिए, बट हम ये नहीं बता सकते कि ये डबल चाहिए या ट्रिपल चाहिए, क्योंकि थिकनेस से क्या होता है जो चेन बनेगी वो कितना उसमें कंजम्पशन हो रहा है एक चेन बनाने में, आइदर वी हैव टू काउंट दैट ऑल्सो. यानी कि जैसे कि अगर मैंने इसको एक चेन बनाया, फिर मैंने वहाँ मार्क लगाया, फिर मैंने जितनी चेन में वो बना मैंने उतनी दूरी पर मार्क किया, फिर द साइज चेन का साइज़ हम ज्ञात करेंगे, उसके आधार पर हम उसको मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं. अगर हमें बहुत एक्यूरेटली ये फाइंड आउट करना है कि हमें ये कितना चाहिए, और वन इंच जो है वो हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है
एंड्स पर। तो अब मैंने इसको वापस से इसको यूँ किया। एक मेथड तो मैंने अभी आपको ये बता दिया था कि ये ट्विस्ट मेथड से है, इस तरह से है ना चेन बनाना, फर्स्ट चेन। और एक है जिसे हम कहते हैं स्लिप मेथड से, जो हम निटिंग में भी हमने किया था, इस तरह से। हम इस तरह से भी इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको आपको इस मेथड से करके बता देती हूँ। ये आपने इसको यूँ लिया, फिर वापस से आपने इसको लपेट लिया, और अब आप इसको मल्टी कलर, ये आप मल्टी कलर में भी ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी इसको टू कलर्स को एक साथ लिया है। अगर मेरी किसी निटिंग में, निटिंग के प्रोजेक्ट में अगर टू कलर्स हैं, तो मैं टू कलर्स को भी एक साथ इस तरह से भी कर सकती हूँ। तो ये हो गया हमारा टू कलर्ड। ये जो कलर्स हैं ये स्कैटर्ड फॉर्म में आएंगे और ये भी बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे। तो टू कलर्स को हमने एक साथ किया, टुगेदर हमने इसको क्रॉशिंग किया है। तो इस तरह से ये देखिए, ये इस तरह से हमने ये पूरी चेन बना ली। इसके बाद मैं आपको चेकर्ड वाली सिखाऊंगी। अब ये एक्स्ट्रा हो गया और इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो ये जो है आप देख सकते हैं, ये भी ये टू कलर हो गया, बट दे हैव बीन क्रोशेन को मैंने एक साथ किया है। तो दिस वन इज़ द सिंगल कलर एंड दिस वन इज़ द टू कलर। तो ये आपकी दो टाइप की होगी। अब मैं आपको थर्ड टाइप की बताऊंगी, जिसमें मैं चेकर्ड वाली बनाऊंगी। अब हम थर्ड टाइप की कॉर्ड सीखेंगे, जिसे हम कहते हैं चेकर्ड कॉर्ड, क्रोशे कॉर्ड। और इसमें हमने ये दोनों कलर्स को ऐसे साइमेंटेनियसली साइड साइड में यूँ ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक पिंक का चेन बनाएंगे और एक हम ग्रीन का बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने जैसे इसको यूँ लिया, तो हमने इसको राउंड दे दिया, ठीक है। राउंड देने के बाद, अगर ये ओपन और लेने के बाद, फिर हम इसको, मैं इसको स्लिप से बनाने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि ये इसमें ओपन हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम इस तरह से ये स्लिप लूप बना लेंगे, क्योंकि वो वाला मेथड जो है, क्योंकि टू कलर्स को हमें को हैंडल्स करना है और टू यार्न्स को हैंडल्स करना है साइमल्टेनियसली, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए इसमें आप लूप मेथड का ही प्रयोग करें। तो ये मैंने एक इसमें बना लिया है। अब मैं ये सेकेंड वाला लूँगी, इसको लेके इसके दोनों एंड से ही हम स्टार्ट करेंगे इसको ऐसे, और फिर हम इससे ये चेन बना देंगे, ठीक है। जब ये चेन बना देंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस वाले को लेंगे इस तरह से पीछे से ही, ठीक है। फिर हम पिंक से बनाएंगे, फिर हम इसको, और हम है ना राइट हैंड साइड से ही ले रहे हैं, तो हमारे को ये बिल्कुल एक सिमेट्री रखनी होगी। इसको यूँ लिया, फिर इसको मैंने इसको ऐसे घुमाया, फिर मैंने पिंक से बनाया ऐसे, फिर मैंने ग्रीन से बनाया, इसको यहाँ ले लिया आगे की तरफ, और इसको यूँ किया और इसको पुल कर लिया, ठीक है। फिर इसको घुमा के फिर मैंने पिंक से बनाया, इसको फिर इसको यूँ लिया, फिर इसको ग्रीन से बनाया। ये देखिए, अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये किस तरह से चेकर्ड बन रहा है। यूँ लिया, इसको एक तरह से यूँ घुमाना है, ये ऐसे, ठीक है ना, आप देखेंगे कि ये पिंक को मैंने ऊपर लिया और ग्रीन को नीचे से ले लिया। इसको थोड़ा सा इसमें क्या प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, तब जाके ये कॉर्ड जो है बहुत स्पीड से बनाई जा सकती है, क्योंकि इसमें आपको टू कलर्स को हैंडल करना है एक साथ। अब आपने इसको यूं लिया,
और फिर आपने इसको वापस से ले लिया। तो आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरह से ये चेकर्ड चेन बन गई है, ये देखिएगा। तो एक ग्रीन, एक पिंक, एक ग्रीन और एक पिंक, इस तरह से ये हमारी पूरी कॉर्ड को हमें कंप्लीट करना है। अब मैं आपको एक स्लिप स्टिच से क्रोशे कॉर्ड बनाना बताती हूँ। आप ये देखिए, ये जो चेकर्ड चेन है ये बिल्कुल सर्कुलर बनी है। आप इसको किसी भी एंगल से देखेंगे ये आपको चेकर्ड ही दिखेगी। तो ये एक तरह से क्या है, ट्यूबुलर कॉर्ड की तरह है हमारा क्रोशे। और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसको कहाँ से नेट किया है, ये देखिएगा बिल्कुल। अब मैं आपको फोर्थ टाइप की कॉर्ड सिखाऊंगी। ये स्लिप स्टिच से के मेथड से बनाई गई है। पहले हम क्या करेंगे, हम चेन बना लेंगे रिक्वायर्ड लेंथ में, जितनी हमें आवश्यकता है उसमें हम उतनी हम चेन्स का निर्माण कर लेंगे। निर्माण करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो फर्स्ट और ये जो सेकंड है इसको छोड़ के जो हमारा थर्ड वाला जो चेन है इसमें इसको यूँ निकालेंगे और इसको हम स्लिप कर देंगे। इसको हमने इसको स्लिप कर दिया। इसी तरह से हम फिर आगे जाएंगे, फिर इसको इस तरह से हम स्लिप कर देंगे। तो हर चेन में से आपको निकालना है और हर चेन में से निकाल के इसको स्लिप करना है इस प्रकार से। मैं वापस से आपको करके बताती हूँ। इसको यूँ लिया और इसको यूँ कर दिया, फिर आपने इसको यूँ लिया और तो आप ये देख सकते हैं किस तरह कितनी सुंदर सी एकदम स्लिप स्टिच से भी ये आप ऐसी कॉर्ड बना सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं ये स्लिप स्टिच से बनाने के बाद ये इस प्रकार से दिखाई देगी। ये इसका रॉन्ग साइड है और ये इसका राइट साइड है। तो हमने क्या किया, बेसिक चेन के अंदर ही आपको ये दिख रहा होगा कि ये चेन यूँ जा रही है, कि ये चेन यूँ जा रही है, इस तरह से ये दिखाई देगी। तो ये स्लिप स्टिच मेथड से है, यानी फर्स्ट पहले हमने फर्स्ट रो चेन स्टिच से बनाई पूरी और फिर उसके बाद हमने उसको स्लिप स्टिच से सेकेंड रो बनाई है। अब मैं आपको फोर्थ टाइप की बनाऊँगी जिसमें हम डबल क्रोशे करेंगे और वो थोड़ी सी फ्लैट बनेगी, वो भी मैं आपको दिखा। देखिए यहाँ पे मैंने ये चेन बना ली है। अब चेन बनाने के बाद हमें क्या करना है कि इसको इस तरह से लपेटेंगे और हम वापस से ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये जो थर्ड वाली है इसमें हमने क्रोशे से यूं करके एक लूप बनाया। देखिए ये लूप बन गया, ठीक है। इस लूप को हमने वापस से यूं लेके और इसको दो का एक कर दिया, इस तरह। फिर हमने वापस से इसमें लिया, इसको चेन को यूँ निकाला। अब हमें स्लिप नहीं करना है, फिर हमने इसके नीचे से ऐसे लूप लिया और फिर इसको ऐसे कर दिया। देखिए इसको यूँ लिया, यूँ लेने के बाद फिर इसको यूँ लिया और इसको स्लिप कर दिया। तो इस तरह से ये क्या होगा, ये हिंदी में आप भले इसको जैसे हम कहते हैं दो का एक करना, क्योंकि टू स्टिचेस आएंगे, टू स्टिचेस आ गए क्रोशे के ऊपर और फिर हमने इसको इसके नीचे से यूँ लिया और इसको टू का एक कर दिया। तो दो का एक कर देंगे हम, इसी तरह से यूँ लिया और इस तरह से ये कर दिया। तो इस तरह से हम पूरी प्रक्रिया करेंगे। तो ये इससे थोड़ी सी ज़्यादा, पहली वाली से थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, आप ये देख सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल फ्लैट है और ये थोड़ी सी इससे लिटिल बिट, ये भी फ्लैट ही बन रही है लेकिन ये थोड़ी सी इससे विड्थ में बड़ी है। अब आप ये देखिए, ये हमने इसको ये डीसी कर दिया, इसका डबल क्रोशे करा हमने और डबल क्रोशे करने के बाद ये थोड़ी सी फ्लैट बनी है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें ये छोटी छोटी ये लाइन्स दिख रही हैं, है ना। उसमें हमें ये जो स्पेसिंग जो थी ये नहीं दिख रही है, ये इसकी वजह से हमारी जो है इसकी विड्थ इंक्रीज़ हो गई। तो आज हमने क्या किया, फाइव टाइप्स की हमने क्रोशे कॉर्ड सीखी हैं। फर्स्ट जो थी हमारी सबसे सिंपल वाली थी,
ये वाली मैं वापस से आपको बता देती हूँ, ये हमारी थी सिंगल कॉलर में, ठीक है। फिर हमारी थी ये डबल कॉलर में, ये थी, ये आपने देखी ही थी, ये डबल कॉलर में। फिर हमने चेकर्ड बनाई थी जो हमने टू कॉलर्स में की थी, ये देखिए, और ये बिल्कुल राउंड बनती है ये, ओके। फिर हमने ये सिंगल, ये हमने चेन बना के और फिर हमने स्लिप स्टिच किया था, और ये हमने चेन बना के हमने डबल क्रोशे किया था। तो ये इस तरह से मैंने आपको पांच तरह की ये क्रोशे कॉर्ड्स बता दिए, ठीक है। थैंक यू।